श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमारे भीतर आनंद की उर्मियां पैदा करने वाला, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक मानवतावादी सूत्र देने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, वसुधैव कुटुंबकम कैसे साकार हो इसकी भूमिका बताने वाला, और युवाओं को, बच्चों को, युवतियों को, युवकों को, वृद्धजनों को, सभी को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय सांगोपांग रूप से बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, उसमें शोध परक सामग्री डाली जाती है ताकि कि वो हर वर्ग के व्यक्ति, हर रुचि वाले व्यक्ति, हर इंटरेस्ट वाले व्यक्ति, हर मेंटल होरिजन वाला व्यक्ति, हर मेंटल स्टेटस वाले व्यक्ति के लिए आनंद पूर्वक हो सके और उसमें से वो ऐसी सामग्री को एक्सट्रैक्ट कर सके जो उसके जीवन का निर्माण कर सके। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जीवन का निर्माण करना, नकारात्मक भाव को तिरोहित होकर करके उसकी जगह सकारात्मक भावों को पैदा करना। इसी क्रम के अंदर आज हम एक सुंदर विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और बड़ा विषय ऐसा है जो कि हमारी सब तरह से उन्नति कर सकता है। तो आज का हमारा विषय है अनुशासन से उन्नति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। अनुशासन का अर्थ होता है अनु प्लस शासन, अपने पर शासन करना, अपने को नियंत्रण में रखना। और हम क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम प्रतिक्षण गतिविधि करें उस पर नियंत्रण हो, और वो गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कोई कष्ट न हो, किसी को कोई दुख न हो, ऐसी हमारी गतिविधि होनी चाहिए। हमको भी आनंद मिले और हमारे साथ में जो कार्य करने वाले हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि आनंद जीवन का सार है, आनंद जीवन की उद्देश्य है, आनंद जीवन का लक्ष्य और आनंद जीवन का साध्य है। तो अनुशासन से ही सारी दुनिया चलती है। हम देखें हमारी प्राकृतिक वस्तुओं को, देखो सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, ये अनुशासन है। रात्रि आती है, दिन आता है और ऋतुएं आती है। ऋतुएं बिल्कुल समय पर आती है, सर्दी ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु बिल्कुल समय पर आती है। और जब नदी चलती है, दो तटों के बीच के अंदर चलती है, उसको अनुशासित बहाव कहते हैं। और जब कभी वो प्रकोप में आ जाती है, जब भी वो अनुशासन को तोड़ देती है, तो बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाती है कि उसके कारण बाढ़ आ जाती है, कई घर मकान ढह जाते हैं, धन और जन की हानि होती है। उसी तरीके से देखिए हमारी वसुधा है, हमारी जो धरती माँ है, ये अनुशासन के साथ में हम इसको कितना गंदा करते हैं, इस पर निवास करते हैं और इस पर जो है सारा कार्य इस वसुंधा पर करते हैं। हम उसका दोहन करते हैं, हम उसको गहरा खोदते हैं, मार्बल के लिए, पानी के लिए, पेट्रोल के लिए कितना कितना दोहन करता है, पर सब टॉलरेट करती है। लेकिन जब अनुशासन की हद हो जाती है, तब वो हमें सबक सिखाती है, वो दुर्गा का रूप धारण करती है। और दुर्गा का रूप धारण करके सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, और धन और जन की बड़ी हानि होती है और हमारा जीवन बड़ा संकट में आ जाता है। इसीलिए अनुशासन जीवन का एक मूल्य है। अनुशासन के बिना जीवन पशुवत है, पशु पक्षी है, उनमें कोई अनुशासन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके पास में विकसित इंद्रियां नहीं है, विकसित मन नहीं है, विकसित बुद्धि नहीं है, विकसित प्रज्ञा नहीं है और विकसित सोच नहीं है। और मनुष्य के पास में सब चीज़ उपलब्ध है, इसी कारण मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो उस पर ये बाइंडिंग है, उसका ये उत्तरदायित्व है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि वह अनुशासित रहे। जब वह अनुशासित रहेगा तो हमारा पर्यावरण
जो है वो प्रसन्न रहेगा और पर्यावरण का दोहन नहीं होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा, सृष्टि दूषित नहीं होगी और ये पूरा विश्व जो है सृष्टि है वसुधा है वह एक स्वर्ग बनेगी और सभी प्राणियों के लिए जीवन जीने के लिए एक स्वर्गमय जो है वातावरण बनेगा। तो इसीलिए अनुशासन हर जगह आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पतंजलि हमारे योग के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वहाँ उन्होंने योग सूत्र लिखा है और उस योग सूत्र के अंदर सबसे पहला जो उन्होंने सूत्र लिखा है अथ अनुशासनम, यह कुछ नहीं है योग सूत्र। योग सूत्र एक अनुशासन का सूत्र है। जिस व्यक्ति ने अनुशासन को जीवन में धारण कर लिया, अनुशासन सीख लिया, उसने हर विद्या को सीख लिया। आप करके देख लीजिए आपका अगर जीवन, मैं आपको लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ, आपका जीवन अनुशासित है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप रहना ही अनुशासन है। प्रकृति क्या कहती है, टू अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द हेल्थ एंड ए गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए गुड बॉडी, साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हम अगर प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, वही अनुशासन है, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप समय से उठते हैं, समय से भोजन करते हैं और समय से नहाते हैं, समय से कार्य करते हैं, समय से विश्राम करते हैं, हर गतिविधि आपकी समय से नपी तुली गतिविधि होती है, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन है और इस प्रकृति ने हमको जो पैदा किया है, उन्होंने एक यूनिबेल्ट सिस्टम हमारे में डाल रखा है जिसको कि हम जो है वो कहते हैं प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम व्यक्ति को कभी भी बीमार नहीं पड़ने देता है। शतायु की हमारे यहाँ के अंदर कामना की गई है। वेदों को देखिए, उपनिषदों को देखिए, आरण्यक को देखिए, ब्राह्मण को देखिए, त्रिपिटक को देखिए, आगमों को देखिए और कई हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों का आप वाचन करेंगे तो शतायु होने का आशीर्वाद दिया गया है और शतायु के अनुसार ही हमारे चार आश्रम बनाए गए हैं, 25-25 साल के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और वन्य और संन्यास आश्रम। शतायु कब होगा, जबकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करेगा। और हेल्थ कौन सी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, इन सभी हेल्थ को मेंटेन करने वाला अनुशासित व्यक्ति कहलाता है और वो होलिस्टिक हेल्थ कहलाती है। वो होलिस्टिक अनुशासित व्यक्ति होता है और उसको कोई तकलीफ नहीं आ सकती। देखिए कि आप बहुत बड़े नेता हैं, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या कोई भी जो बड़े ऊंचे पद के ऊपर है, या आप जो है धर्माचार्य हैं, आप उपदेशक हैं, तो आप जितनी भाषा बोलेंगे, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो किसी को तकलीफ ना देने वाली हो, सम्मानजनक हो और उसके बाद के अंदर हितकारिणी हो, किसी को कष्ट देने वाली नहीं हो और उसके साथ साथ में आप मितभाषी हो और इतनी आवश्यकता हो उतना ही बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो आप अनुशासित कहलाएंगे और आपका आदर किया जाएगा, क्योंकि आपकी हर बात के अंदर एक मीनिंग है। अपने आप में अनुशासित रहना एक रोल मॉडल है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो बैठ जाता है तो उसके सानिध्य में लोग ऑटोमेटिकली अनुशासित हो जाते हैं। आप घर में देखिए, परिवार में हमारे पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली का जो हेड होता था, मुखिया, दादा कहिए, पिता कहिए, जब वो घर में प्रवेश कर लेता था तो घर के अंदर जितने भी सदस्य होते थे उनका किसी तरह का जो है आपस में झंझट, झगड़ा, ऊँचा बोलना, नीचा बोलना, सब कुछ ऑटोमेटिक अनुशासित हो जाता है। तुम प्रजातंत्र के अंदर जीवन जी रहे हो और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत है, तुम अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि उस प्रजातंत्र के अंदर सबको अधिकार है। जिस ट्रेन को आप आग लगा रहे हो, जिस बस को जला रहे हो, नुकसान किसका है, वो नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि तुम भी उसमें भागीदार हो, तुम्हारी उसके अंदर ट्रस्टीशिप है, तुम्हारी उसमें सहकारिता है, वो नुकसान तुम्हें ही है। तो तुम कितने बेवकूफ हो कि अपने पैरों कुल्हाड़ी मारते हो।
इसलिए अनुशासनहीन व्यक्ति दूसरे का नुकसान करे या ना करे, लेकिन वो स्वयं का नुकसान अवश्य करता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूँ कि मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते मान लो कोई नादान, कोई बच्चा या कोई यंग मैन आ गया और उसने अपनी मोटरसाइकिल को, टू व्हीलर को या फोर व्हीलर को, जो बराबर सीधा पास में से नहीं टला कर हल्का सा टच करा दिया और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने उसके ऊपर गालियों की बौछार करना चालू कर दिया और उसको जलील करना चालू कर दिया, ये हमारी अनुशासनहीनता है। आप अगर बुजुर्ग हैं, आप अगर बड़े हैं उम्र में, उसको कह सकते थे भैया ध्यान से चलाना चाहिए, अगर अभी तुम्हारे ये तो कुछ नहीं हुआ मान लो कि जरा सी क्रौंच आई है, अगर ज़्यादा टच हो जाती तो तुम्हें भी नुकसान होता, मेरे को भी नुकसान होता, लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, एक्सीडेंट में कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ऐसा कार्य क्यों करते हो, और कभी जान भी जोखिम में चली जाती है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए। जो लॉज ऑफ द रोड्स बने हुए हैं किसके लिए है, अनुशासन के लिए है। कोई भी हमारी संस्था देखो, ट्रेन के जो लॉज हैं, एरोप्लेन के जो लॉज है, बैंक के जो लॉज है, हेल्थ के जो लॉज है, हॉस्पिटल के जो लॉज बने हुए हैं, वो किसके लिए है, वो अनुशासन स्थापित करने के लिए, क्योंकि सभी को सिमिलर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और सभी एक तरीके से उसके कीप टू द लेफ्ट, अगर सभी अपने अपने लेफ्ट के अंदर चलने लग जाए तो कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं। और ट्रेन का देखिए, ट्रेन के अंदर सारा कंट्रोल जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर ये विश्व का सबसे बड़ा रेल तंत्र भारत है, और कितनी करोड़ों 50-60 करोड़ लोग हैं प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं, और इतनी हजारों लाखों की तादाद के अंदर ट्रेनें हमारे यहाँ चलती हैं, सब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई ए सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। ये क्या है, ये अनुशासन है। इस अनुशासन से क्या होती है कि मान लीजिए दो पटरियां हैं तो दो पटरियों में से ट्रेन अपने आप पास में से चली जाएगी, और अगर अनुशासनहीनता होती है, लापरवाही अनुशासनहीनता है, लापरवाही कंट्रोल करने वाले की होती है, सिग्नल को रॉन्ग सिग्नलित करता है तो दो ट्रेनों को भिड़ा सकता है और लाखों लोगों की धन जन की हानि कर सकता है। जहां जहां पर अनुशासनहीनता है वहां पर हानि ही हानि है, व्यक्तिगत हानि है, सामाजिक हानि है, देश की हानि है और विश्व की हानि है। आप देखिए, अगर विश्व के स्तर पर बात करें तो आज पूरे विश्व के अंदर इतना अणु बम्बों का जखीरा खड़ा हो गया है, हर देश के पास में है, और किसी बड़ी ताकत का अगर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाते, ऐसा कहा जाता है युद्ध हमेशा सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर लड़ा जाता है, जो पावरफुल देश का पावरफुल व्यक्ति है उसका मस्तिष्क खराब हो जावे, उसके पास में जो जखीरा अणु बम पड़ा है उसका वो उपयोग करना चालू करे तो विश्व युद्ध हो जाता है, सभी अपनी अपनी सुरक्षा करने लग जाते हैं, उस विश्व युद्ध का परिणाम क्या आएगा, ये अनुशासनहीनता है। एक व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की, उसका परिमाण क्या होगा कि 7 अरब की जनसंख्या 7 मिनट में स्वाहा हो जाएगी। बताइए आपने क्या पाया, सृजन करना बहुत मुश्किल है और विध्वंस करना बहुत आसान है। आप अपने घर के मकान को देखिए, आपका अगर 1 करोड़ का बंगला है, आप उसको गिराते हैं तो बुलडोजर से 2-3 दिन के अंदर गिर जाता है, उसको बनाने में 1 साल 2 साल 5 साल लगते हैं, डेकोरेट होने में और गिराने में 2-3 लगते हैं। अपनी प्रेस्टीज, अपनी प्रतिष्ठा को देखिए, आप अनुशासनहीन हो जाते हैं, आप अय्याशी करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप गाली गलौज करते हैं, आप अन्याय करते हैं, उस अनुशासनहीनता से क्या होगा कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, चाहे आप कितने ही बड़े लोग हो, बड़े कुबेरपति हो, लेकिन सबसे प्रिय व्यक्ति वह होता है जो अनुशासन में रहता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कॉन्क्लूजन की भाषा में ये कहूँगा, इस एपिसोड को कसौटी पर कस करके और पूरी विश्व की जनता के सामने, 7 अरब की जनता के सामने मैं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, मैं एक सोचने के लिए विचारधारा छोड़ता हूँ, मैं एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के रूप के अंदर एक जो बात छोड़ता हूँ कि अगर अनुशासन
रखा जाए तो अच्छा है या अनुशासनहीनता अच्छी है, तो 100% यही जवाब आएगा, अनुशासन रखना अच्छा है, क्योंकि अनुशासन से सबकी सुरक्षा है, व्यक्तिगत सुरक्षा है, व्यष्टि सुरक्षा है, समष्टि सुरक्षा है, विश्व की सुरक्षा है। इसलिए हमारे देश के सभी देशवासियों, खास करके हमारी युवा शक्ति को आज मैं एपिसोड समर्पित को करके कहना चाहूँगा कि आपको बहुत लंबा काम करना है। आप में से कोई देश का नेहरू बनेगा, कोई देश का इंदिरा गांधी बनेगी, कोई देश का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे, बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेता बनेंगे, बड़े बड़े धर्माचार्य बनेंगे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कबीर, रहीम जैसे जो है आप जो है वो अच्छे अच्छे संत बनेंगे, आप में से ही बनेंगे, और हमारे गिरते हुए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा आप ही करोगे, क्यों, आपका जीवन बहुत लंबा है, आपको बहुत लंबा काम करना है। तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक मूल मंत्र को पकड़ लीजिए कि मैं सुबह से शाम तक जीवन भर कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करूँगा। हमारे मुख्य इस शरीर के काम करने के 3 बड़े अंग हैं, मन, वचन और काया। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, मन का काम ये होता है कि वो वर्तमान का चिंतन करता है, सारी प्लानिंग बनाता है, और कभी भी उसको जरूरत पड़ती है तो भूतकाल के अंदर चला जाता है और भूतकाल की वह स्मृति करता है, और उसके साथ साथ में आज हम चिंतन करते इसका इफेक्ट भविष्य में क्या आएगा, या भविष्य के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, हमारा गंतव्य क्या है, तब वो क्या है कि भविष्य काल के अंदर चला जाए। ये मन काम करता है, चिंतन का काम करता है, वचन बोलता है, वचन वार्तालाप करता है, वचन व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, सारा काम इस समाज में वचन के द्वारा, भाषा के द्वारा, बोली के द्वारा होता है, और शरीर से काम किया जाता है। बिना शरीर तो कोई भी काम नहीं होता है, आप कहीं जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चीत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को लागू नहीं करेंगे तो कैसे तरक्की होगी। इसलिए मन, वचन, काया थी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, चैनल 24 को फीडबैक मिल रहा है कि लोगों को पुनरुत्थान कार्यक्रम इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आने का कारण एक बात, अच्छी बात कही गई है, अनुभव जन्य व्यक्ति के द्वारा अनुभव की बात बताई जाती है, आध्यात्मिक बात बताई जाती है, संस्कारों की बात बताई जाती है, नेगेटिव थॉट्स को तिरोहित करके पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की प्रक्रिया, सूत्र, टिप्स दिए जाते हैं। इसीलिए आप हमारे इस चैनल से और हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो।